अस्त्री मार्केट बैक साइड शिव मंदिर साइड तो सैक्टर 22C च खड़ा है और अपने नाल श्री की शुभ नाम अपना किशन कुमार जी नाल गलबात कर रहे हैं। किशन कुमार जी असी इत्थे मार्केट दे विच इस करके तुहाडे कोल आए हैं कि असी तुहानूं इह कहना चाहते हैं साडा मैसेज ये है कि चंडीगढ़ मांगे मोर वोटर्स अवेयरनैस कैंपेन असी अपने वालों तुहानूं सारयां नूं इह तकीद करन आए हैं कि अपनियां जिहड़ियां वोटां तुहाडियां बणियां होईयां उहनां नूं वेस्ट ना करिए उहनां नूं कास्ट करिए। इहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? लोगों नूं वोट पाउणी चाहीदी है देश दे भविष्य लई, इह बहुत वधिया है ते इहदे नाल देश बहुत अगे जा सकदा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुसी आपदी वोट कास्ट करते हो तुहाडे घर दे फैमिली च होर भी वोटां होणगियां और सब वोट कास्ट करते हैं सिंगल बंदा सिंगल मैंबर। ओके वेरी बहुत अच्छा लगा तुहाडे नाल गल करके। अपना शुभ नाम? रोहित कुमार। रोहित जी मैं ये पूछना चाहवांगा कि जिहड़ी आपां अपनियां वोटां हैं उन्हां नूं गवाईए ना, बड़ी मुश्किल नाल आपां लईआं ये हक जिहड़ा साडे बजुर्गां ने कुरबानी दे के सानूं ये हक दवाया, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਜੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਬੇਸ ਪੇ डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेटेड बंदे आगे आने चाहिए और करप्शन जो आजकल लीडर लोग करप्शन करते हैं उसकी वजह से वोटिंग कम हो रही है। इसकी वजह मैं ये चाहता हूँ कि जितना यूथ एजुकेटेड है उसको आगे आना चाहिए वोटिंग करने के लिए भी, इलेक्शन के लिए भी, लीडर लोग को भी, उनको अपना रीजनल जो चीज़ है अपनी अलग रख के, नॉट और कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कोई भी पार्टी है, कहने का मतलब है ये आपको डेवलपमेंट तो चाहिए लेकिन लोग हमारे जो लीडर्स हैं अपना पर्सनली जो करें उसको थोड़ा, मैं अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो थोड़ा अवॉइड करें, बाकी तो हर किसी का अपना ओपिनियन। थैंक यू। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप वोट वाले दिन ये आलसी छोड़ देना, मार्केट बंद है उस दिन कहेंगे नहीं आज गर्मियां कर सो, वोट जरूर डालनी है, है जी, मार्केट से कोई लेना देनी है, वोट जरूर डालनी है, ठीक है। और अब आपको निशान भी बता दिया है, तब हमारे को डालनी है। उस दिन मैडम आए आजाद खड़े, अच्छे आदमी आजाद ही खड़े होते हैं जी, गिद्दड़ सारे इकट्ठे चलते हैं, शेर तो इकट्ठे घूमते हैं। आपकी कहाँ की वोट है जी? आप कह दोगे पंजाब की है, पंजाब की है, रिश्तेदार तो होंगे चंडीगढ़, अगर आपको चार अच्छे आदमी जानते हैं उनकी वोट तो कुछ सोचा आप जमती है, कुछ बात आपकी भी वोट चाहिए और फिर आप आगे भी बात करेंगे। कोई नहीं है तो हम अपनी मनमर्जी करेंगे, ठीक है जी, हमारे सामने सेम काम वाला बैठा है तो कुछ हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। मुझे अच्छा लगा जी आपने पढ़ा और आपकी दो वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, ठीक है जी, और अगर किसी और से बात हो वो बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं एक बार और आऊंगा, तब तक आप वोट गिन के रखना कितनी मिलेगी। और वो अंदर जिन्होंने सराजी ने बल्ब लगाया हुआ था, मैंने कहा था वो गर्मी हो जाती है उस बल्ब में, ये वाला बल्ब लगाओ। असी वैसे 48 ही रही दे, 46 ही साडी वोटा पैंदी है, भाजी दे घर दे कोल ही रही दे, अच्छा नाल ही रही दे, ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਵੋਟ, ਦੋ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਵੋਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 46 ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੋਟ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ
आप हो गए, अब 381 हो गए, ठीक है सतबीर सिंह 46 के बूथ में जीतेंगे जी, जीतेंगे, ठीक है जी, लिख लो, कह रहे हैं हमारी मदद करेंगे 46 में। और अगर आपको विचार ठीक लगे तो वोट जरूर डालें, वैसे तो वोट जरूर डालें, किसी को भी डालें, लेकिन अगर आपको बात ठीक लगे तो हमें वोट, ठीक है जी। डिस्कशन वगैरह में वोट क्यों करना चाहते हैं, वोट्स वगैरह में हम ये अपनी चंडीगढ़ से मतलब कोई और थोड़ा और पॉपुलर आ रहा हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, यही चाहेंगे बस, और क्या कि अपना जैसे वोटिंग है जो हमारा राइट बनता है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट भी हो, तो नेक्स्ट टाइम में हमें कैसे मतलब ऐसे हिसाब से वोट करें कि नेक्स्ट टाइम हमें कहने की जरूरत ना पड़े कि हम कहेंगे यार हमने सही बंदे को वोट किया और नेक्स्ट टाइम सही वोट करें विदाउट उसके टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ये बात होती है। अरे मैं ये तो नहीं पता, नहीं मैम शायद पीपल का इंटरेस्ट कम हो गया है, उनको शायद लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट वाला काम है, हर बंदा आजकल बिजी बंदा है, ठीक है, तो शायद इसी वजह से हर कोई सोचता है कि हम टाइम वगैरह का कोई मतलब ये हर कोई बेनिफिट सोचता है अपना, उनको लगता है कि हमारा वोट से कोई बेनिफिट नहीं बैठ रहा इसलिए वो नहीं करते, ये बात होती है मैम। और मतलब ये एक बेनिफिट लगता है, टाइम कम लगता है सही टाइम पे, अगर वोट मेरा कोई ज़्यादा लंबी लंबी लाइनों में नहीं खड़ना पड़ता, तो बंदा हर कोई सोचता है यार 5 मिनट में 1 मिनट में वोट बढ़ जाए तो हमने कहा टाइम पे घर में जाएं, तो ये सारी बात मैटर करती है, अगर ऐसा होएगा नेक्स्ट टाइम जो 91 की जो आप कह रहे हो ना कि वोट कम बढ़ती है तो वो चीज़ भी सारी कवर हो जाएगी। अमित है, हाँ जी, जैसे आप लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, आप वोट कर रहे हैं? हाँ मैं वोट जरूर करूँगा, बट मेरी एक है कि जो जिसको मैं वोट करूँ जितने मिनिस्टर्स हैं वो सारे एजुकेटेड होने चाहिए, कोई इलिटरेट बंदा खड़ा हो जाए और हम उसको वोट करें ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, और ये यूथ की है, पूरा यूथ जो चंडीगढ़ का जो सारे पढ़े लिखे वो यही चाहते हैं कि जो मिनिस्टर हो वो भी एजुकेटेड होना चाहिए, किसी अनपढ़ या किसी को उसको कुछ नहीं पता उसको मिनिस्टर कैसे बना दें, उसको देश का हाथ कैसे दे दें हम, ये मेरी फर्स्ट है आपके चैनल के थ्रू कि आगे से जो भी खड़ा हो रहा है उसको ये हो कि कम से कम उसको क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ एजुकेशन, अगर कोई एजुकेटेड बंदा है वही कुछ कर पाएगा, वही देश को चला पाएगा, इलिटरेट बंदा क्या कर लेगा, उसकी सोच कितनी होती है, नैरो, बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है जो भी बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है जो भी अपने को मिनिस्टर कर रहा है वो कम से कम पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, ग्रेजुएट जो ना, हाँ, और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह इनको तो खड़ा होने देना नहीं चाहिए, ये चाहिए इंडिया की पॉलिटिक्स को सुधरने के लिए सिर्फ यही चांस है, हाँ ये सारी पार्टीज को रिक्वेस्ट होनी चाहिए, बस ये मेरी है कि कम से कम जितने भी इलेक्शन कमीशन है ये सोच के करे कि जिसको वोट दे रहे जिसको वो खड़ा कर रहे कम से कम वो ये तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए और कम से कम वो एजुकेटेड जरूर होना चाहिए, और ये यूथ की आवाज़ है, अगर ऐसा हो गया तो पूरी यूथ चंडीगढ़ की वोट डालेगी और इसका 80% प्लस जाएगा, अब 100% जाएगी वोट चंडीगढ़ की तरफ से अगर ये हो गया सब। ਬੋਈ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਮਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਤਾ ਨਾ ਜਿਸਕਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਰੈਡ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਥ ਮੇਂ ਗਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਗੇ ਸੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈ ਤੋ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੋ ਫੋਨ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਮਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਜਾਏ 1 ਰੁਪਿਆ ਫੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਹਮ ਵੋਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ नाम शराब की बोलते नहीं नहीं बड़ी बढ़िया बात है हम सिर्फ ठीक बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं चार पड़े हैं बस फिर और कुछ नहीं कहूँगा किसको वोट दोगे अब इनकी वोट चाहिए ना जी वोट किसको दोगे मेरे को चलो ठीक है ये ले लो कौन सी क्लास में हो हिंदी पढ़नी आती है जोर जोर से हिंदी पढ़नी आती है हैं पढ़ के सुनाओ जोर से सुनाओ एक लाइन पढ़ के सुनाओ जग कर मेरे बड़ा है जोर से मैं पहली बार उठा चंडीगढ़ से मैं 37 बड़ा तो चंडीगढ़ से हुआ